मतलब अच्छा चल रहा है यार. एवरीबडी इज डूइंग रियली वेल. दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ मसाला. दे आर प्लेइंग वेल एंड या इट्स इन द न्यूज़ ऑल द टाइम. सो इट्स ग्रेट. काफी मतलब हमने फैंस के कमेंट्स पढ़े. मतलब वो कहते हैं कि बट इट लुक्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक एनी बडी वुड जस्ट से इट लाइक दैट. बिकॉज अगर एक बंदा बोल रहा है तो समझ में आता है, बट अगर 100 बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ देख के ही बोल रहे होंगे. सो आई रियली फील दैट हाँ ऐसा है. बिकॉज एवरी टाइम ही डज समथिंग देर इज यू नो नॉट सो मच ऑफ एन इशू क्रिएटेड, बट जब कोई और कुछ करता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है. सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें हैं. But like when I had also come out of the house, a lot of people had met me and told me, like fans had told me that we didn't like it, you know, when Salman was so against you all the time and he was always biased towards Mandana. But that was not the case because I knew how he would talk to Mandana, you know. So I knew that that was not the case. So maybe they also know that probably that is not the case and we are just thinking like that. But yeah, nonetheless, I mean, people are thinking like that. So that's how it is then. See, I think, yeah, it's totally their thing. And if they are playing a game, then I think it's working well for them. And if it's their strategy, then it's cool, yeah. So, who do you think will be on top three? I think Asim, Shanaz and Siddharth. Thank you. Like, apart from this, you were part of Big Boss. And this part of Big Boss is super difficult. See, when you're a part of a show that does so well, you obviously you're proud of the show and stuff like that. You're proud to be a part of it. I'm happy that it's doing so well. Honestly, pichla season काफी boring रहा है. जो लोगों ने मुझे बोला है मैं तो देखा नहीं है. इस season की बात ही इतनी चल रही है that people are like you have to watch it, you have to see it. तो मन भी करता है कि अच्छा ऐसा क्या है, मुझे भी देखना है. You know, it's like that. So all the very best to all of them. मुझे लगता है सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज या तो रश्मि, वन ऑफ दोज टू. सी दैट्स व्हाट आई यू नो व्हाट आई थिंक इज हर एक सेलिब्रिटी की अलग अलग फैंडम होती है, ठीक है. नाउ अगर आप उस हिसाब से अगर आप जज करो तो अगर सिद्धार्थ के खिलाफ होते बिग बॉस तो सिद्धार्थ फैंस वुड प्रॉब्ली सेड ओ ये तो बायस्ड है या ये तो ऐसे है. बट ऐसा कुछ है नहीं. आई थिंक बिग बॉस इज नॉट बायस्ड एट ऑल. यू नो आई थिंक इट्स मोस्टली जस्ट हु दे आर सपोर्टिंग हु दे. उनके हमारे पर्सपेक्टिव से कुछ लोग अच्छा खेल रहे हैं, वो हमारे फेवरेट्स हैं. अब बिग बॉस के भी पर्सपेक्टिव से कुछ लोग अच्छा खेल रहे जो उनके फेवरेट है. इट्स जस्ट दैट. प्रियांक से मुझे यही न्यूज़ मिली थी कि क्या कि अरे बिग बॉस चालू ही नहीं होता है, शूट ही नहीं चालू होता है, मैं मुझे उधर ही बिठा के रखते हैं. और फिर अगर चालू भी हुआ तो हर एक चीज़ चेंज करनी पड़ती क्योंकि बिग बॉस के अंदर अंदर चीज़ें चेंज होती रहती है. तो मुझे डायलॉग चेंज तो उसने ये सब प्यारी प्यारी सी वो बड़ा क्यूट है प्यारी प्यारी बातें की है मेरे से. मुझे कुछ इतना कॉन्ट्रोवर्शियल पता नहीं है पर ये सब बातें मुझे पता है. ये देखो आ गए यार. फॉलो करते हैं आप? देखिए मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताता हूँ, मैं रोज़ बैठ के देखता नहीं हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मुझे पता है हो क्या रहा है थोड़ा बहुत ही बता. मुझे मालूम था घूम फिर के आप लोग आ जाएंगे बिग बॉस के ऊपर. देखिए क्या एकदम क्लियर है जो हमें दिख रहा है अब जो हो रहा है कि सब लोगों के यू नो सहायक भेजे हैं, सब लोग के जान पहचान वाले भेजे गए हैं अंदर और वो लोग मिल के अपने जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं कैसे उनको जिताते हैं पूरी गेम वो है. तो बिग बॉस एवरी वीक एवरी डे कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट डाल रहे हैं सो दैट ऑफकोर्स एक्सटेंड है हो गया है तो यू नो एवरी सम डे और द अदर कुछ नया नया आ रहा है. बट जो मैंने पहले से कहा है वो अभी भी मेंटेन रखूँगा. मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि सिद्धार्थ ही जीतेगा. Yeah, hello, Amini. Ask. Okay, shoot. What have you to say about the film? Well, we are here to watch the preview of this film, A Devil's Night. So, अभी मुझे ऐसा लगता है कि you know, back to back सब horror films आ रही हैं और ये खास करके Hollywood से आ रही है तो definitely कुछ अलग flavour लेके आएगी और कुछ ये films देखने में मज़ा आता है.
ये फिल्म देखने में मज़ा आएगा. तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू मिस्टर गणेशन एंड हिज होल टीम एंड ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर दिस मार्केट, ही इज़ ऑलवेज वेलकम एंड प्लीज़ देखें. और उसके बाद में एक फिल्म बनाएं जिसमें हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हों. हॉरर फिल्म आप कितना एंजॉय करते हैं? अरे बहुत एंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है हॉरर फिल्म देखने में. हॉरर, थ्रिलर, यू नो एज ऑफ द सीट जो भी फिल्म्स होती हैं जिसमें आपको मन करता है कि यू नो बिना ब्रेक चलना चाहिए या बिना ब्रेक के चलनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म में बहुत मज़ा आता है. तो ऐसी फिल्म आई एम श्योर दिस वुड बी वन ऑफ दैट काइंड. तो वी ऑल वेटिंग फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. सारे अपने ही लोग हैं, टेंशन मत लो. What would you say this production is coming in India and they are also trying to explore Bollywood in a film, you know, how good it is for the industry, like more people coming in? Yeah, it is very good and ek na ek din to hona hi tha. कि यू नो यहाँ के लोग पूरा वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो इट इज़ अ गुड थिंग एंड आई एम श्योर इन दिस एक्टर्स विल आल्सो बेनिफिट एंड इवन टेक्नीशियंस आई एम श्योर. तो सबको फ़ायदा होगा, तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन. आपका कुछ एसोसिएशन है, कुछ हो रहा है? अगर मैंने सब कुछ अभी बता दिया तो फिर कैसे चलेगा? धीरे धीरे आएगी, सारी बातें आएंगी सामने. ये देखो आ गए यार. देखिए मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताता हूँ, मैं रोज बैठ के देखता नहीं हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मुझे पता है हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत ही बता दीजिए. मुझे मालूम था घूम फिर के आप लोग आ जाएंगे बिग बॉस के ऊपर. देखिए क्या एकदम क्लियर है जो हमें दिख रहा है अब जो हो रहा है कि सब लोगों के यू नो सहायक भेजे हैं, सब लोग के जान पहचान वाले भेजे गए हैं अंदर और वो लोग मिलके अपने जो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं कैसे उनको जिताते हैं पूरी गेम वो है. तो बिग बॉस एवरी वीक एवरी डे कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट डाल रहे हैं सो दैट ऑफकोर्स एक्सटेंड हो गया है तो यू नो विद सम डे और द अदर कुछ नया नया आ रहा है. बट जो मैंने पहले से कहा है वो अभी भी मेंटेन रखूँगा, मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि सिद्धार्थ ही जीतेगा. जवाब दे दिया मैंने. वेब सीरीज इज देयर इन द आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर इट. आई वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट. एज आई सेड कि मैंने आजकल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक NDA साइन करते हैं जिसमें वी आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज एनीथिंग. दे विल डेफिनेटली अनाउंस वेरी सून, उसके बाद हम खुल के बात करेंगे. अच्छा, वैलेंटाइन का क्या प्रोग्राम? वैलेंटाइन मेरे लिए तो रोज वैलेंटाइन है यार, आज भी वैलेंटाइन है. हैप्पी वैलेंटाइन डे यार. अरे मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा रोमांटिक एल्बम आए और मैं करना चाहूँगा तो आई एम श्योर, क्योंकि आप लोगों से ही नहीं मुझे मेरे फैंस लोगों ने भी रिक्वेस्ट की है और सारे लोग मेरे चाहने वालों ने भी बोला है कि एक एल्बम कीजिए, आजकल लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू एल्बम. तो जैसे ही होगा तो आई एम श्योर आप लोग ज़रूर देखेंगे. थैंक यू गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. आगे चलो पहले इंटरव्यू कर दो, जगह छोड़ रख दी तो रख देते हैं, जाते नहीं वहाँ पे इसके में तो भाई उधर बहुत खड़े होने का जगह किसी की जो ही बोल सकता हूँ जो मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ वाला फोटो खींच वाला फोटो खींच गणेश सर, यहाँ सर सीधे सर, टन 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 ट
वेरी गुड मूवी आई नो आई जस्ट केम फ्रॉम लॉस एंजल्स आफ्टर फाइव मंथ्स आई वॉज वर्किंग सम प्रोजेक्ट द डेविल्स नाइट वेरी फैंटास्टिक फिल्म एंड प्रोड्यूस्ड बाई गणेशन जी